आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साउथ कोरियन सुपरस्टार की जिनकी जिंदगी जितनी ग्लैमर से भरी हुई दिखती है उतनी ही कंट्रोवर्सी से घिरी भी रही है। ली जॉन सूक एक एक्टर जो सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी कंट्रोवर्सी से भी हेडलाइन में रहे हैं और आखिर क्यों नेटफ्लिक्स ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है और यह सच में ली जॉन सूक अपने फेम को हैंडल नहीं कर पा रहे या फिर ये सब मीडिया का एक दिखावा है। नंबर वन, ली जॉन सूक का जन्म 14 सितंबर 1989 को साउथ कोरिया के योजिन शहर में हुआ था। अपने फैमिली में वो सबसे बड़े हैं और उनके दो छोटे भाई बहन भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके दो छोटे भाई बहन उनसे ज्यादा मैच्योर हैं। नंबर टू, वो अपने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शाय हैं और क्लासरूम में टीचर के सवाल पूछने पे भी वो हाथ खड़े नहीं करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पापा से बहुत ही ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। नंबर थ्री, उन्होंने कॉन्क्यूक यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स का कोर्स किया है और उनको बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। नंबर फोर, 15 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और 2005 के सोल कलेक्शन वाकोए में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वो पहले यंगेस्ट मॉडल थे उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। नंबर फाइव, उन्होंने आइडल बनने के लिए 3 महीने की कैडेट ट्रेनिंग किया था और वो एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किए थे अपने डेब्यू के लिए। उस एजेंसी ने उनको एज ए एक्टर डेब्यू करने का वादा किया था लेकिन एजेंसी ने अपना वादा तोड़ दिया जिसकी वजह से उन्होंने उस एजेंसी को छोड़ दिया। नंबर सिक्स, उन्होंने अपना पहला टीवी डेब्यू 2010 का ड्रामा प्रोसिक्यूटर प्रिंस से किया था और गोश्त मूवी से उन्होंने अपना मूवी डेब्यू भी किया है। नंबर सेवन, उनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ ड्रामा सीक्रेट गार्डन से जहाँ पे उन्होंने एक कंपोजर का रोल किया है। उनका पहला एक्टिंग ब्रेक थ्रू था ड्रामा स्कूल 2013 और 2012 में उनको KBS ड्रामा अवार्ड में बेस्ट न्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला है। नंबर एट, 2013 में उनका पहला कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुआ जहाँ एयरपोर्ट में उनके एक फ्रेंड्स उनको गिफ्ट देने आ रहे थे और ली जॉन सूक के मैनेजर ने उनको पीछे ढकेल कर उनसे मिलने से मना कर दिया। जब लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने ली जॉन सूक को स्टार डिजीज हो गया है बोल के कहा। साउथ कोरिया में लोग स्टार डिजीज का इस्तेमाल करते हैं उन एक्ट्रेस के लिए जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और अनग्रेसियस हैं। नंबर नाइन, उस टाइम एयरपोर्ट में सिर्फ वो एक अकेली फैन थी जो उनके लिए कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी और उनके मैनेजर का उस तरीके से पुश करना लोगों को बहुत ही ज्यादा रूड लगा। इसका रेस्पॉन्स देते हुए उन्होंने कहा कि आई डिडंट सी द फैन बट फेल्ट समवन पुलिंग माय आर्म एंड डेफिनेटली थॉट इट वुड बी माय मैनेजर सो आई पुल्ड माय आर्म बैक। I didn't think it would be a fan. I couldn't manage my facial expression because there are a lot of journalists in front of me. She seems like a fan I saw for the first time and I am so sorry. It's all my fault. I will do better next time. Number 10. इसके बाद 2014 में उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंजर ड्रामा में एज मेन लीड काम किया था और उस ड्रामा को चाइना में 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि डॉक्टर स्ट्रेंजर ड्रामा में उनको नॉर्थ कोरिया छोड़ के जाना था और उस टाइम उनको कैसा फेशियल एक्सप्रेशन करना है वो उसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। ड्रामा के शूट के बाद उन्होंने बोला कि एक्टिंग इज वेरी स्केरी। नंबर 11, उस ड्रामा के बाद उन्होंने बहुत सारे कोरियन ड्रामा जैसे पिनोचियो, डब्लू, टू वर्ल्ड अपार्ट और BIP जैसे ड्रामा में काम किया है और उन सारे ड्रामा की वजह से उनको पूरे एशिया में पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गया था। नंबर 12, 16 साल की उम्र में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पे उनके घुटने डैमेज हो गए थे जिसकी वजह से मिलिट्री फिजिकल एग्जाम में उनको 4th ग्रेड मिला था। मिलिट्री लॉ के हिसाब से जिनका 4th ग्रेड या फिर उससे ज्यादा होता है उनको ज्यादातर रिजर्व ड्यूटी मिलता है मतलब पब्लिक सर्विस ड्यूटी मिलता है। मार्च 8, 2019 को उन्होंने अपना मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन किया और जनवरी 1, 2021 को उनको मिलिट्री से डिस्चार्ज कर दिया गया। नंबर 13, 2018 में उनका और किम जून का नेटफ्लिक्स में एक ड्रामा आने वाला था जिसका नाम है सी यू अगेन लेकिन ड्रामा के स्क्रिप्ट रीडिंग के एक दिन पहले उन्होंने उस ड्रामा को करने से मना कर दिया। नेटफ्लिक्स की टीम ने उसका रेस्पॉन्स करते हुए कहा कि थिंग्स डिडेंट वर्क आउट। नंबर 14, एक टीवी रिपोर्ट के हिसाब से उस इंसिडेंट के बाद नेटफ्लिक्स ने एक्टर ली जॉन सूक को ब्लैकलिस्ट कर दिया और वो शायद हमें कभी नेटफ्लिक्स के किसी भी सीरीज में देखने ना मिले। सी यू अगेन ड्रामा करने के लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स से हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज किया था जिसको नेटफ्लिक्स ने रिजेक्ट कर दिया। नंबर 15, कम एंड हग मी और द विच पार्ट 1 मूवी में उन्होंने अपना एक्सटेंडेड कैमियो किया था और दो शो को करने का कंफर्मेशन उन्होंने ड्रामा के मेकर्स को लेट में दिया। इसकी वजह से प्रोडक्शन में बैठे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद इंडस्ट्री में उनके रेपुटेशन के ऊपर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। नंबर 16, जुलाई 2022 में उनका आखिरी ड्रामा आया था जिसका नाम है बिग माउथ और वो शो एक ग्लोबल हिट था। उस ड्रामा को आए हुए अभी 2 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और उन्होंने अभी तक कोई भी और ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं किया। साउथ कोरिया में एंटरटेनमेंट का बिजनेस दिन ब दिन कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है जिसकी वजह से फैन उनके ड्रामा को ना करने के डिसीजन को लेकर नाराज हैं। नंबर 17, 31 दिसंबर 2022 को लीकी एजेंसी ने उनका और एक्ट्रेस आयु का डेटिंग रूमर को कंफर्म करते हुए कहा कि एक्टर ली जॉन सूक एंड आयु रिसेंटली प्रोग्रेस फ्रॉम बीइंग क्लोज एक्वाइंटेंस इनटू बीइंग कपल एंड दे आर मेंटेनिंग ए सीरियस रिलेशनशिप।
उसके बाद हमें दो एक्टर्स बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में साथ में देखने मिले और लोगों ने उनको बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। नंबर 18, अपने करियर के स्टार्टिंग में उन्होंने वेलमेड एंटरटेनमेंट और आईजी एंटरटेनमेंट जैसे एजेंसी के साथ मिलकर काम किया है और 2018 में उन्होंने खुद की एक एजेंसी खोली जिसका नाम था ए मैन प्रोजेक्ट। नंबर 19, वो एक्टर की मोबिन के काफी क्लोज है और दोनों एक दूसरे को मॉडलिंग डे से जानते हैं। वो एक्टर जोंग इन के भी काफी अच्छे दोस्त है और हमें उनके हैंग आउट के पिक्चर्स इंटरनेट में देखने मिलता है। नंबर 20, वो हमें डिज्नी प्लस में वन सेकंड ड्रामा जो कि एक कोरियन वेबटून एडॉप्टेशन होने वाला है वहाँ पे मेन लीड देखने मिल सकते हैं और ड्रामा में उनके पास फ्यूचर देखने की सुपर पावर होगी। फिलहाल उनका और डिज्नी प्लस का बातचीत चल रहा है और उन्होंने ड्रामा को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। अपने करियर में उन्होंने बहुत सारे कोरियन ड्रामा जैसे व्हाइल वी आर स्लीपिंग, डॉक्टर स्ट्रेंजर, पिनोचियो और स्कूल 2013 में काम किया है और मेरी लाइफ का पहला कोरियन ड्रामा मैंने जो देखा था वो है डॉक्टर स्ट्रेंजर। आपको इनका कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।